नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आने जाने वाले लोगों को पानी भर से जाने के कारण परेशानियां हो रही। ऐसी को लेकर हमारे सहयोगी दीपक का वासवा ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है, किस तरीके से ग्राउंड पर पानी ही पानी होने से लोगों को दिक्कतें हो रही है, देखिए। अभी नवसारी के जो ओवरब्रिज से आप दृश्य देख सकते हैं कि पूर्णा नदी का पानी जो कल बहुत तेजी से बढ़ गया था, उसकी वजह से जो पानी के दृश्य आप देख सकते हैं कि शहर के अंदर भी पानी घुस गया है और बहुत सारी पानी हर तरफ जहाँ देखो वहाँ पानी पानी दिख रहा है। इसकी वजह से जनजीवन बहुत प्रभावित हो गया है। इस बार नवसारी के अंदर रिकॉर्ड तो तीसरी बार शहर के अंदर पानी आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि अपार्टमेंट के नीचे पानी, अभी तो पानी हाल फिलहाल पानी कम हो रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है और आया अभी क्या अमावस्या चल रही है, इसकी वजह से बढ़ती है दरिया के अंदर और नदियों में। इसकी वजह से पानी का स्तर बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी वजह से अभी भी जो रेलवे ओवरब्रिज का जो गन्नारा बोला जाता है कि जिसके बाईपास बोला जाता है, जिसके नीचे से लोग पसार होते हैं, तो वो भी अभी हाल फिलहाल बंद है। मगर ओवरब्रिज बनने से जलालपुर विस्तार के जो लोगों को है उनको बहुत राहत मिली है अभी कि ओवरब्रिज की वजह से लोग अपने घर को आ जा सकते हैं, नौकरी या धंधे को जा सकते हैं। मगर देखना यह है कि ये ओवरब्रिज भी बहुत पानी बढ़ने के बाद बंद हो जाता है तो इसका हल नगर पालिका किस तरह से निकालेगी और नवसारी की जनता को कैसे राहत मिलेगी। दीपक वसावा, न्यूज इंडिया, नवसारी, गुजरात।